तो यार ड्रैगन बॉल दाइमा का दूसरा ट्रेलर आ चुका है। ट्रेलर मैं ये नहीं कहूंगा, काफी ऑसम था। हमने कुछ नया देखा जो इससे पहले हमने कभी नहीं देखा था। बहुत एवरेज ट्रेलर था ओवरऑल। ट्रेलर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं पहाड़ों के बीच में एक गड्ढा होता है और गड्ढे में एक रिचुअल टाइप की डिजाइन बनी रहती है। मेरा ये मानना है ये जो डिजाइन बनी है ये शायद डेमोन रेल्म के अंदर जाने का रास्ता है। फिर हम देखते हैं ढेर सारे क्रिएचर्स जो इस स्टोरी के मार खाने वाले विलन्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं गोकू खाना खा रहा होता है और उसके पीछे दो लोग खड़े होते हैं। देखो यहाँ मुझे एक चीज साफ पता चलती है कि ये दोनों गोकू के साथ क्या कर रहे हैं और गोकू वहाँ उनके साथ क्या कर रहा है। तुम ट्रेलर में अगर देखोगे तो तुमको दिखेगा गोकू खा रहा है और वो दो शख्स जो गोकू के पीछे होते हैं वो उसे खाना खाते हुए देखते रहते हैं। फिर अचानक में एक उठता है उसमें से और अपने वेपन से सीधा टेबल पर मारता है, जिसके वजह से टेबल पर सारा खाना मौजूद नीचे गिर जाता है और गोकू भी उनसे फाइट बैक करने के लिए तैयार हो जाता है। अब तुम सोचोगे भाई अगर ये पीछे खड़े थे तो अचानक अटैक करना क्यों शुरू कर दिए। तो इसका जवाब है गोकू इनके प्लेनेट पर गया हो और वहाँ गोकू के जैसा कोई दिखा ना हो और ये उस प्लेनेट के आम नागरिक लोग हैं और जहाँ गोकू बैठकर खाना खा रहा है वो उस प्लेनेट का वहाँ के लोगों का रेस्टोरेंट होगा। तो ये दोनों गोकू को खाते हुए देखते हैं और मेरे ख्याल से ये दोनों उसे बुली करने आते रहेंगे कि तू कौन है, यहाँ क्यों आया है और तू कहां से आया है। एंड गोकू उनके सवालों का कुछ जवाब नहीं देता तो वो लोग चिढ़ जाते हैं और उन्हें जवाब ना मिलने पर वो गोकू के साथ अग्रेसिव हो जाते हैं और उल्टा वो खुद गोकू से बुली हो जाते हैं। जहां ये सब फाइट चल रही होती है वो जगह तुम भी देख सकते हो, एकदम पहाड़ों को खोदकर एक गुफा है, उसमें पत्थर के टेबल है और बर्गर पिज्जा खाया जा रहा है, जिससे समझ आता है ये लोकेशन वहां के डेमोन्स के प्लेनेट का एक रेस्टोरेंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उस प्लेनेट की प्रॉपर जो ऑर्गेनाइज आर्मी होती है जिनका एक जैसा ड्रेस कोड होता है उनसे भी वो लड़ता है। और हाँ गोकू अकेला हैंडल करता रहता है उन्हें, जैसे कि ये सारे कोई बड़ी डील नहीं है उसके लिए। और ये लोग को तुमने नोटिस किया होगा ये सारे जो सेम ड्रेस कोड में हैं ये वैसे ही दिख रहे हैं जो पहले वाले ट्रेलर में इस शख्स को दिखाया गया था, उसी जैसे ये सारे दिखने में मैच हो रहे हैं। और आगे ट्रेलर में साफ पता लगता है गोकू उस प्लेनेट पर अपने टारगेट की तरफ भाग रहा है और वो लोग उसे रोक रहे हैं कि गोकू अपने टारगेट तक ना पहुंच पाए। लेकिन इस ट्रेलर में गोकू अकेला है, सुप्रीम काई कहां है? What I believe, जब गोकू और सुप्रीम काई इस प्लेनेट पर आते रहेंगे तो अपने टारगेट की खबरें को निकालने के लिए वो शहर के अलग अलग कोने में घूमते रहेंगे, जिससे पता लगे उनके टारगेट का लोकेशन क्या है और यहाँ का माहौल कैसा है। इसीलिए दोनों अलग अलग रास्ता चूज करे रहेंगे जिससे जल्द से जल्द वो सारी इन्फो इस प्लेनेट पर उनका सबसे बड़ा कौन टारगेट होगा, उसके पास पहुँचते पहुँचते उन्हें क्या क्या मुश्किलों का सामना करना होगा, इसका सारा जायजा लेने के लिए गोकू और सुप्रीम काई अलग अलग हो जाते हैं। ये मेरी थियोरी है। और एकदम आखिरी में दिखाया जाता है एक ड्रैगन जैसा क्रिएचर गोकू को खाने की कोशिश करता है और काफी विंड होती है और गोकू काफी डिफेंसिव पोस्चर में रहता है। फिर लिखकर आता है फॉल 2024, यानी कि अक्टूबर और नवंबर में ये सीरीज को रिलीज किया जाएगा। खैर मैं न्यू फॉर्म एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि DBS क्रॉनिकल्स के हिसाब से उसने अपने चैनल पर लिखा था इंस्टाग्राम के कि ये ट्रेलर में डालना तो बहुत कुछ चाहिए था लेकिन डाला नहीं गया और आने वाले ट्रेलर में हमें न्यू फॉर्म नहीं दिखेगा। तो उसके ये कहने से पता लगता है कि न्यू फॉर्म कुछ ना कुछ तो है, बस वो इस ट्रेलर में दिखाया नहीं गया। और उसने ये भी लिखा अगर ट्रेलर 2 में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया तो हम इस कहानी के मेन विलन को भी देखेंगे। अब ये एक्सपेक्ट करके चलो मेन विलन इस कहानी का और न्यू ट्रांसफॉर्मेशन हमें देख सकता है ट्रेलर 3 में। और ट्रेलर 3 आएगा एक दो महीने के अंदर। दाइमा के ट्रेलर में आज कैरेक्टर शेड्स भी बाहर आए जिसमें मिस्टर सेटन, एंड्रॉइड 18, चीजी और माजिन बू के कैरेक्टर को रिवील किया है। इसमें हमारे लिए नया देखना माजिन बू का कैरेक्टर डिजाइन है। और इससे एक और चीज अब क्लियर ये हो चुकी है ये कहानी वहां से शुरू होगी जहां बू आर खत्म हो चुका है और माजिन बू जब प्योर हार्ट में कन्वर्ट हो चुका था। ये कहना सही होगा कि ये कहानी बैटल ऑफ गॉड से पहले की होगी और माजिन बू के आर्क के बाद अब आप उसमें अंदाजा लगा सकते हो कि ये इवेंट कब हुआ होगा। काफी लोगों का सवाल होगा ट्रेलर 1 और ट्रेलर 2 में ऑलमोस्ट सब दिख गए लेकिन गोहान कहां है। DBS क्रॉनिकल्स के हिसाब से जानबूझकर अभी तक गोहान को दिखाया नहीं गया है।
एंड उसने ये पहले भी कहा था, गोहान का भी इसमें एक मेन रोल होने वाला है। मुझे ये लगता है ट्रेलर 3 में आपको पता लगेगा मेन विलन कौन है। ट्रेलर 4 में हमें न्यू ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाएगा, उसके ग्लिम्स दिए जाएंगे और गोहान को रिवील किया जाएगा कि उसका क्या रोल है। और ट्रेलर 5 में जो आखिरी ट्रेलर होगा वहां दिखाया जाएगा कि कहानी ड्रैगन बॉल जी और ड्रैगन बॉल सुपर में कहां फिट होती है। अब मैं बताता हूं हो क्या सकता है, गोहान को क्यों नहीं दिखाया गया। मेरा मानना है सब किड्स में बदल जाते हैं लेकिन गोहान और विडल नहीं बदलते। वो लोग सभी किड, गोकू किड, वेजिटा किड, बुलमा किड, चीची, इन सब को सारे जी फाइटर्स को संभालते हैं और इन सारों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत ऑब्वियस है, अगर गोहान को ट्रेलर में नहीं दिखाया जा रहा है तो ये मुझे सीधा समझ आ जाता है कि गोहान सबके जैसे किड में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। ये काफी फनी होगा देखना कैसे गोहान और विडल, वो दोनों बड़े हैं और वो दोनों सारे अपने डैड को, अपनी मॉम को, अपने लोगों को जो उन्हें जिंदगी की नसीहत दिया करते थे, वो लोग उन्हें संभाल रहे हैं। और ये रहे कुछ डेमोंस के एंड उस प्लेनेट के सोल्जर के कैरेक्टर डिजाइन। हम नोटिस कर सकते हैं सोल्जर्स के हाथों में वही स्टिक है जो स्टिक पहले वाले ट्रेलर में उस छोटे से कैरेक्टर के पास थी। एंड आई बिलीव वही शख्स है जो इस प्लेनेट को रूल करता है और उसी के सारे सोल्जर्स हैं ये लोग। खैर एक एवरेज ट्रेलर था, मैं इसे ज्यादा ओवर हाइप नहीं करूंगा। चांसेस काफी ज्यादा है कि ट्रेलर 3 में जब वो आएगा तो उससे आप सारे सेटिस्फाइड रहोगे। वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आपको ट्रेलर देखकर क्या समझ आया। क्या ये ट्रेलर बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था या एवरेज था या वेरी बैड। ओपिनियंस देने में कोई मना ही नहीं है, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे आप लोग के कमेंट से मदद होती है कि एक लार्जर व्यू क्या है लोगों का। तो हाँ यार, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।